गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टू ऑल ऑफ यू। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 9 चल रहा है हमारा, लेक्चर नंबर हमारा 7वां है और एक्सरसाइज आज करने जा रहे हैं 9.4। पहला क्वेश्चन है मल्टीप्लाइंग द बाइनोमियल फर्स्ट 2x प्लस 5 एंड 4x माइनस 3। इन दोनों को मुझे करनी है मल्टीप्लाई। 2x प्लस 5 मल्टीप्लाई 4x माइनस 3। अब कैसे करेंगे इसकी मल्टीप्लाई? यहाँ पे आप साइन अगर मल्टीप्लाई नहीं भी लगाओगे तो भी अंडरस्टूड है कि यहाँ पे साइन कौन सा आपका मल्टीप्लाई का ही है। जब मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, इस 2x की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ है। पहले इस 2x ही करेंगे, 2x इंटू 4x माइनस 3। उसके बाद जो ये प्लस का 5 है इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ, प्लस 5 की मल्टीप्लाई 4x माइनस 3। अब करो मल्टीप्लाई इसकी, 2 4 जा 8 एक्स 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 स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस, 2 3 जा 6x प्लस 5 4 जा 20x प्लस माइनस माइनस, 5 3 जा 15 एट एक्स स्क्वेयर। प्लस के 20x हैं, माइनस के 6x हैं, 20 में से 6 के 14x माइनस के 15। ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट इसका। अब करने जा रहे हैं इसका थर्ड पार्ट, 2.5 एल माइनस में 0.5m की मल्टीप्लाई मुझे करनी है 2.5 एल प्लस में 0.5m। पहले 2.5 एल की मल्टीप्लाई इस कंप्लीट के साथ, 2.5 एल इंटू में 2.5 एल प्लस 0.5m माइनस में 0.5m की मल्टीप्लाई 2.5l प्लस में 0.5m। ठीक है स्टूडेंट्स, 2.5 इंटू 2.5 ये हो जाएगा 6.25l, l हो जाएगा l स्क्वायर। 2.5 इंटू 0.5 हो जाएगा आपका पास 1.25lm। माइनस में 0.5 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा 1.25lm, प्लस माइनस माइनस 0.5 इंटू 0.5 हो जाएगा 0.25mm स्क्वायर। ये प्लस का है, ये माइनस का lm और 1.25 सेम है वाले, कैंसल आउट। 6.25l स्क्वायर माइनस में 0.25m स्क्वायर, ये आपको हो जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन का सिक्स पार्ट, इन दोनों करनी है मुझे मल्टीप्लाई। 3/4 l² प्लस में सॉरी a स्क्वेयर प्लस 3b² की मल्टीप्लाई मुझे करनी है। जब मल्टीप्लाई करनी, देखो इसके बाहर भी 4 है तो एक काम करेंगे, पहले 4 की मल्टीप्लाई इसके अंदर कर दो, 4 into a² 4a² प्लस माइनस माइनस, 4 2 जा 8 8/3b². अब करेंगे मल्टीप्लाई इस 3/4 a² की मल्टीप्लाई इस कम्प्लीट के साथ करेंगे। 3/4 a² की मल्टीप्लाई 4a² माइनस में 8/3b² प्लस 3b² की मल्टीप्लाई 4a² माइनस में 8/3b². अब करेंगे स्टूडेंट, देखो कैसे करेंगे, 3/4 a² इंटू में 4a² प्लस माइनस माइनस 3/4 a² इंटू में क्या आएगा भाई 8/3b² प्लस इसकी करेंगे 3 4 जा 12 a² b² प्लस माइनस माइनस 3b² इंटू में 8/3b² 4 से 4 कैंसिल, 3 a² a की पावर 4 हो जाएगी, 3 से 3 कैंसिल, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 माइनस 2 आ गया a² b² प्लस के 12 a² b² 3 से 3 कैंसिल माइनस 8b की पावर हो जाएगी 4 3a की 4। अब ये देखो भी स्टूडेंट्स, 12 a² b² है आपके पास और माइनस के 2 a² b² है, 12 में से 2 है बाकी रह गए 10 10 a² b² और माइनस में क्या आ रहा पीछे इसके लास्ट में
माइनस के 8 बी की पावर 4। ये आपका होगा स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। जो मैंने बीच में पार्ट छोड़े वो आपने खुद करने हैं। और इसका जो सेकंड क्वेश्चन है फाइंड दी प्रोडक्ट, बिल्कुल एज इट इज है आपका फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, ये भी आपने खुद करना है। इसके बाद मैं आप करवाने जा रहा हूँ थर्ड क्वेश्चन आपको सिंप्लीफाई वाला। सिंप्लीफाई इसका ऐसे कि फर्स्ट पार्ट है आपका, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट x की 2-5 इंटू में x प्लस 5 प्लस में है 25। सेम दो इन दोनों मल्टीप्लाई है एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई x प्लस 5 के साथ, माइनस 5 की मल्टीप्लाई x प्लस 5 के साथ, और इसके लास्ट में आ रहा है प्लस का 25। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स की पावर हो जाएगी 3, पावर ऐड हो जाती है ना। देखो एक्स एक्स बेस सेम है, इस पे पावर 2 है और इस पे पावर कितनी है 1, 1 और 2 कितने हो गए 3, प्लस 5x² माइनस के 5x प्लस माइनस माइनस 5 या 25 प्लस के 25, 25 माइनस के 25 प्लस के कैंसल आउट। पहले x की पावर 3 फिर x² माइनस में 5x, दिस इज द आंसर। थर्ड क्वेश्चन हो गया भाई ये वाला, थर्ड क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट हुआ सॉरी। अब मैं करवा रहा हूँ इसका फोर्थ पार्ट, a प्लस बी इंटू में c माइनस डी प्लस a माइनस बी इंटू में c प्लस डी प्लस 2 इंटू ए सी प्लस में बी डी। ए की मल्टीप्लाई वही सेम प्रोसीजर है, सी माइनस डी से मल्टीप्लाई प्लस बी की मल्टीप्लाई सी माइनस डी के साथ, ए की मल्टीप्लाई सी प्लस डी के साथ माइनस बी की मल्टीप्लाई सी प्लस डी के साथ प्लस 2 ए सी प्लस 2 बी डी। ए सी माइनस ए डी प्लस बी सी माइनस बी डी प्लस ए सी प्लस ए डी माइनस बी सी माइनस बी डी प्लस 2 ए सी प्लस 2 बी डी। ए सी और ए सी दोनों प्लस के हैं, ए सी ए सी कितना हो गया भाई 2 ए सी, माइनस का ए डी प्लस का ए डी कैंसल आउट, प्लस का बी सी माइनस का बी सी कैंसल आउट। ए सी यह एक कम करते हैं, इसको इकट्ठा ही काउंट कर लेते हैं, ए सी एक ये रहा, एक ये रहा 2 और 2 ये कितने हो गए 4, टोटल हो गए 4 ए सी। माइनस का बी डी माइनस बी डी, माइनस के 2 बी डी हो गए और प्लस के 2 बी डी, माइनस के 2 बी डी और लास्ट में है 2 बी डी, प्लस के 2 बी डी और माइनस 2 बी डी कैंसल आउट, तो इसका आंसर रहेगा 4 ए सी। दैट इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन थर्ड का, जो अब थोड़ी थर्ड क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट था ये वाला। एक पार्ट मैं और करवा रहा हूँ स्टूडेंट इसका, सेवन्थ पार्ट। इसका देखो सेवन्थ पार्ट, 1.5x माइनस में 4y की मल्टीप्लाई है 1.5x प्लस 4y प्लस 3 माइनस में है 4.5x प्लस में 12y। बिल्कुल सेम वैसे स्टूडेंट देखो, अब 1.5x मल्टीप्लाई कंप्लीट के साथ 1.5x इंटू में 1.5x प्लस 4y प्लस 3 माइनस की 4y की मल्टीप्लाई 1.5x प्लस 4y प्लस 3 माइनस का है 4.5x प्लस में 12y। 1.5 इंटू 1.5 हो जाएगा 2.25, 2.25 x x x square
इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 इंटू 4 आएगा 6.0, यानी कि 6xy। 1.5 इंटू 3 यानी कि हो जाएगा 4.5x, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे वही 6xy प्लस माइनस 4 जा 16 y स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4 3 या 12y माइनस के 4.5x और प्लस के 12y। पहले तो ये येलो भी कुछ कटता है, देख लो पहले 6xy प्लस के 6xy माइनस के कैंसिल आउट, 4.5x प्लस का है 4.5x माइनस का है कैंसिल आउट, 12y आपका माइनस का है 12y प्लस का है कैंसिल आउट। तो यहाँ से आपको क्या रहेगा, सिर्फ 2.25x स्क्वायर और माइनस के 16y स्क्वायर, ये आपका हो गया सेवन्थ पार्ट। देखो स्टूडेंट, जो इसका अब एट्थ पार्ट है, a प्लस बी प्लस सी इंटू में a प्लस बी माइनस सी, कोई बड़ा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। इस a की मल्टीप्लाई a प्लस बी माइनस सी के साथ, फिर b की मल्टीप्लाई a प्लस बी माइनस सी के साथ, फिर c की मल्टीप्लाई a प्लस बी माइनस सी के साथ, a इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस में बी सी प्लस ए सी, और ये हो जाएगा बी सी और ये माइनस का सी स्क्वायर। देख लो कुछ कटता है तो काट दो, माइनस का बी सी प्लस का बी सी कैंसिल आउट, ए सी माइनस प्लस का ए सी माइनस का कैंसिल आउट, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए बी ए बी कितने हो गए 2ab, ये आपका होगा क्वेश्चन कंप्लीट। स्टूडेंट्स अगर फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो मेरा मोबाइल नंबर साइड में लिखा हुआ है 9728885895 पे आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, मुझसे अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं।